हेलो स्टूडेंट्स, सो कंटिन्यूइंग विद द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर यानी कि अब यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड हिंड्रेंसेज हैं आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अब वो पर्सन कौन कौन होंगे, या तो आपके सुपीरियर्स या आपके पास आपके सबॉर्डिनेट्स। तो आपके पास आपके सुपीरियर या आपके सबॉर्डिनेट से रिलेटेड जो भी आपकी पर्सनल लेवल पे जो आपके हिंड्रेंसेज आते हैं वो हमें यहाँ पे काउंट करने हैं। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर्स एंड सेकेंड है बैरियर्स रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट्स। कि आपके पास आपके सुपीरियर और आपके पास आपके सबॉर्डिनेट से रिलेटेड जो बैरियर्स हैं वो यहाँ पे आपके पास काउंट होंगे। देखिए, बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो चीज़ें यहाँ पे काउंट होंगी वो क्या क्या हैं। सबसे पहला सुपीरियर से रिगार्डिंग, यानी कि आपके जो सीनियर्स हैं, आपने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में पढ़ा था सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होता है। तो अपर लेवल की हम बात कर रहे हैं पहले कि आपके सुपीरियर्स को क्या क्या बैरियर महसूस होंगे। सबसे पहले आता है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। अब एक बंदा टॉप रैंक पे है, उसका डेजिग्नेशन अपर है, वो क्या सोचेगा अगर मैं मेरे सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट करूंगा तो उसको मेरी वीकनेस का पता चल सकता है और वो मेरी पोस्ट को छीन सकता है मुझसे, और मैं तो लोअर लेवल पे चला जाऊंगा और मेरी वीकनेस अगर बाहर आ गई है तो वो ऊपर आ सकता है या कल को वो मुझे चैलेंज भी कर सकता है। तो वो कम्युनिकेट ही नहीं करेगा जल्दी से अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को अपने सबॉर्डिनेट से वो कम्युनिकेट ही नहीं करता है। तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहला फियर होता है उनको अपनी पोस्ट का, अपनी चैलेंज ऑफ अथॉरिटी का। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट। दूसरा, वो क्या सोचते हैं कि हमारे जो जूनियर्स हैं उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको कुछ चीज़ें नहीं पता, उनको कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से काम होता है, और वहाँ पे वो ट्रस्ट शो नहीं करते सबॉर्डिनेट में। जब आप किसी में ट्रस्ट ही नहीं शो करोगे तो आप उस पर्सन से कभी भी बात करने में कम्फर्ट जोन में आ ही नहीं पाओगे। तो ये तो हैं आपके सुपीरियर से रिलेटेड आपके चैलेंजेस, कि आपका फर्स्ट है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी और सेकंड है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट। सेकंड आपके पास आता है बैरियर्स रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट्स। अब आपके जूनियर्स से रिलेटेड क्या क्या बैरियर्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कि जूनियर्स जो होते हैं वो बात ही नहीं करना चाहते हैं कई बार अपने सीनियर से। उनको क्या लगता है, अब जैसे कोई गलती कर देता है, जब आप घर पे भी कोई गलती करते हो तो छुपाने की कोशिश करते हो, कोई कांच की चीज टूट जाती है तो फटाफट से उसको क्लीन करके डस्टबिन में डाल देते हैं कि मम्मी को नहीं पता चलना चाहिए। तो ऐसे ही होता है जूनियर्स के लेवल पे, कोई मिस्टेक हो गई है वो सोचेंगे कि बात ऊपर तक जानी ही चाहिए, और अगर हमें पहुँचानी भी है तो उसको मोल्ड कर देते हैं। तो पहले तो क्या है, वो कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते उस चीज़ को, तो इससे भी आपके कम्युनिकेशन गैप बन जाता है और फिर बाद में वो एक हिंड्रेंस की तरह काम करता है आपके सबॉर्डिनेट के लेवल पे, कि वो अपने सीनियर से कंफर्ट जोन में है ही नहीं आपके कम्युनिकेशन लेवल पे। सेकेंड है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। दूसरा, देखिए, जब तक मैं आपको कुछ, जैसे सपोज कीजिए आप शाय स्टूडेंट हैं और जब तक मैं आपको एक इंसेंटिव नहीं दूंगी कि बेटा आप बात कर सकते हैं मुझसे, पर्सनल लेवल पे भी कोई इश्यूज है तो आप मुझे बता सकते हैं, जब तक मैं आपको वो एक इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप मेरे अंदर कन्फाइंड कर सकते हैं, आप मुझे आकर के मेरे ऊपर आकर के काउंट कर सकते हैं ट्रस्ट के मामले में, सेम होता है आपके सबॉर्डिनेट के साथ। अगर उनको ऐसा कुछ फील ही नहीं आएगा, उनको अपने सुपीरियर्स की तरफ से कोई ऐसा इंसेंटिव मिल ही नहीं रहा है, तो वो अपने सुपीरियर से जाकर के कम्युनिकेट करेंगे भी नहीं। तो अल्टीमेटली होगा क्या, वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आना अराइज हो जाएगा। तो ये थे आपके सुपीरियर और सबॉर्डिनेट लेवल पे, यानी कि आपके पास आपका फोर्थ कैटेगरी पर्सनल लेवल पर्सनल बैरियर्स। लास्ट वीक हमने करे थे आपके पास आपके लास्ट वीडियोस में सिमेंटिक साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर और आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, वो तीन कैटेगरी। फोर्थ है आपके पर्सनल बैरियर। अब तक तो आपने स्टडी करिए कि बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते क्या है। अब आता है आपके पास कि आपके पास क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या आप मेजर्स ले सकते हैं टू ओवरकम। इनको खत्म तो नहीं कर सकते हैं हम, बट हाँ उन चीज़ों से बाहर आने के लिए, उन बैरियर से बाहर आने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हैं। देखिए, सबसे पहला आता है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, कि जितना रिसीवर सुनना चाहता है आप उसकी ज़रूरत को जान लीजिए, आपको उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना है। आप क्या कहना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही, क्या आप अपना ब्ला 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 बोले चले जाएं, वो सुनना ही नहीं चाहता। उसकी नीड क्या है, वो उस कम टाइम में, उसके पास एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, उस टाइम लिमिट में वो क्या चीज़ सुनना चाहता है या उसको क्या पॉइंट सुनना है, आपको उसी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना है। तो इससे क्या होता है, जब वो जो चीज़ सुनना चाहता है हम अगर वही बोलेंगे तो वो इंटरेस्ट शो करेगा हमारी चीज़ों में, हमारी बातों में, और इफेक्टिवली फिर वो हमें सुनेगा भी।
नेक्स्ट है क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। कई बार आपने देखा होगा जैसे स्पीच वगैरह होती है तो स्टार्टिंग में अटेंशन सी करने के लिए आप भूमिका बनाते हैं, या आपको किसी से बातचीत करनी है तो आप पहले आइडियाज क्लियर कर देते हैं कि मैं अल्टीमेटली बोल किस चीज के बारे में रहा हूँ। मेरे को डिबेट करना है, मैंने बताया नहीं क्या टॉपिक है, मैं पॉजिटिव साइड बोल रही हूँ या नेगेटिव साइड, एंड दिस स्टार्टेड विद माय स्पीच, तो आप कहेंगे मैम किस बारे में डिस्कशन कर रही है, पता ही नहीं। बट अगर हम आपके पास कोई भी टॉपिक उठाएं, जैसे अभी के लिए आपके पास आपका इकोनॉमिक सिनेरियो है, या आपके पास आपके इंडिया चाइना का वार चल रहा है, रैंडम टॉपिक अगर आज की टुडे सिनेरियो का मैं उठाऊँ कोई और उसके बारे में मुझे बोलना है और मेरे को डिबेट करना है या एक स्पीच देंगे, तो मैं अपने आप को पहले आपके सामने क्लियर कर दूं कि मैं आइडियाज क्या रखना चाह रही हूं, तो आपको माइंड में क्लियर रहेगा कि मैम बोलना क्या चाह रही है और जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ फिर वो शायद आप रिलेट कर पाए। तो वो चीज़ क्या है कि मैंने क्या किया, आपके आइडियाज क्लियर करे हैं बोलने से पहले। तो क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन में क्या रहेगा कि मैंने एटलीस्ट चीज़ें आपको क्लियर करी हैं कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, तो उससे आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। थर्ड है बी वेयर ऑफ लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, ऑब्वियसली फॉर श्योर। अगर मैं आपसे रूड टोन में बात करूँ आप शायद मुझसे ढंग से कभी बात करेंगे ही नहीं, तो मुझे ध्यान रखना है मेरी लैंग्वेज के से। आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मेरे को लैंग्वेज का ध्यान रखना है। मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात करूँ तो मैं वहाँ पे अपने अलग तरीके से बात करूँगी, मैं मेरे घर पे हूँ तो अलग तरीके से बात करती हूँ। जैसे आप देखते हो स्कूल में आप इंग्लिश हिंदी बोल रहे होते हो, तो घर में जैसे कुछ जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं वो हरियाणवी भी बोल रहे होते हैं, दोस्तों के साथ आप थोड़ा अलग स्लैंग लैंग्वेज या हरियाणवी टोन में बात कर लेते हो, बट टीचर्स के साथ यू आर नॉट सपोज टू टॉक इन हरियाणवी। तो वो चीज़ क्या है, लैंग्वेज का आप ध्यान रखते हैं ना। दूसरा टोन, आप अपने दोस्तों से गुस्से में नाराजगी में रोते वक्त कैसे भी बात करते हो, बट जब आप एक फॉर्मल रिलेशन में आ जाते हो प्रिंसिपल सर के साथ चेयरमैन सर के साथ, तो वहाँ आपकी टोन जो होती है हम्बल होती है, तो वहाँ पे आप अपना टोन का ध्यान रखते हैं। एंड लास्ट है कंटेंट ऑफ मैसेज, अब आप जो चीज़ अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर कर सकते हो वो आप अपने टीचर को बता रहे हो या कुछ भी है, तो वहाँ पे कंटेंट का ध्यान तो रखेंगे ना कि मेरा दायरा है, मैं इस दायरे में रह करके क्या बात किस इंसान से शेयर कर सकता हूँ। तो लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज का आप ध्यान रखते हैं। फॉर द कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर, कि आपको क्या करना है, आप आज का तो ध्यान रखे रहे कि मेरी आज की नीड सेटिस्फाई हो जाए, बट हमें फ्यूचर के लिए भी तो टर्म्स बना करके रखने हैं ना। आज का झगड़ा हम फ्यूचर तक तो लेके जाएंगे नहीं, अगर झगड़ा भी हुआ है तो हम आज की नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं और हम फ्यूचर की नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए अपना वो एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्रेजेंट प्लस फ्यूचर दोनों को कनेक्ट करते हुए हम काम करते हैं, तो वही चीज़ है कि आप आज के लिए भी टाइम जोड़ रहे हैं किसी के साथ, तो फ्यूचर का भी कंसिस्टेंसी को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको कम्युनिकेशन करना है इस तरीके से, यानी आज जो मेरे में मैंने आपको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर दी, कल को मेरे को आपको कुछ बोलना है या काम करवाना है, ऑब्वियस सी बात है अब आप उससे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे टर्म्स जो है वो शॉर्ट हो चुके हैं, तो उन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना। फिफ्थ है इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। अभी सपोज कीजिए मैं आपके साथ क्लासरूम में हूँ, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैं आपके फेशियल गेस्टर से चीजें समझ जाती हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, बट जब मैं ओरल है रिटर्न कम्युनिकेशन सॉरी ओरल टेलीफोनिकली हो रहा है या रिटर्न है आपके पास, तो उस केस में मैं आपसे रिलेट नहीं कर सकती हूँ, तो वहां पर मुझे आपका फीडबैक जानना है। फीडबैक क्या होता है, किस एक्सटेंड तक आपको चीजें समझ में आई है वो मुझे जानना है। तो प्रॉपर फीडबैक इंश्योर करना कम्युनिकेशन में जरूरी है कि समझ में आई भी है या नहीं आई है आपको चीजें, वो चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। लास्ट है बी ए गुड लिसनर, ये सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए नेसेसरी है कि आपके पास आप सुने एक दूसरे को इफेक्टिवली पेशेंट के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सुने कि सामने वाला बंदा कहना क्या चाह रहा है, वो सेंडर के पार्ट पे भी जरूरी है रिसीवर के पार्ट पे भी जरूरी है। अगर आप बिना सामने वाले को समझे बिना सामने वाले को सुने अपना अपना बोलते चले जाओ, वो क्या कहना चाह रहे हो वो सुन ही नहीं रहे हो, तो झगड़े भी होंगे और कम्युनिकेशन पूरी भी नहीं होगी। तो ये थे आपके मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आपकी रियल लाइफ से भी रिलेट करता है प्रॉपर, और ये आप अपने बड़ों छोटों फ्रेंड्स टीचर्स प्रिंसिपल किसी और अपने स्पेशली जब आप वर्किंग लाइफ में जाएंगे तो आप वहाँ पे भी इसको बहुत अच्छे से अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। विद दिस आवर सेवेंथ यूनिट हैज बीन कंप्लीटेड, इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल स्टार्ट विद द फिफ्थ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड लास्ट यूनिट ऑफ पार्ट ए दैट इज कंट्रोलिंग, यानी कि आपकी यूनिट 8 हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।